अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे, आमीन। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो रात में जो मेरे को धोखा दिया था ना, जिसने मेरे को कटवाया, वो आदमी जा रहा है। अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी अभी दुश्मनी है इसके साथ में ऐसी। अभी वो जा रहा है और उसका जो है बॉस, वो आंसू से अभी बहने वाले दिल के अरमान उसके आंसू में। तो जरा वो सीन देखो, फिर डबल में बताऊंगा। और दानिश को जाने की खुशी में देखो, नए नए कपड़े पहने आज। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा दुश्मन जा रहा है। चलो चलो देखो ना कैसे नए कपड़े पहन के आए। चलो अब तुम लोग दोनों बात करो। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी फ्रेंड जा रही है अभी सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे? आज मैं जा रही हूँ, दो दिन रुकी मैं मेरे फ्रेंड के साथ, लेकिन दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करूँ। बहुत एंजॉय किया, मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत इतना सारा प्यार दिया और खिला तो ये देखिए, अरे बाप रे बाप रे बाप, ये देखिए। अभी क्या करूं, खाऊंगी, आप भी खाओ, बनाओ, वीडियो को शेयर करो, सबको शेयर करो, सब आपको भी बहुत अच्छे से बोलेगी कहाँ से रेसिपी लाए, कहाँ से सीखा है, खाना है, खाया है। तो आपको भी लाइक मिलेगा और सबको क्या बोलते उसको, सब लोग खुश हो जाएंगे आपकी वजह से और दूसरे लोग भी खुश हो जाएंगे सही में। तो अभी ये फाइनली जा रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी उसके लड़के के साथ में, बराबर ना, फिर वो अच्छे से रहेगी। फिर भी वापस ज्यादा नहीं रहेगी, रोज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी। फिर वीडियो बनाएंगे हम लोग, फिर वीडियो में आपके साथ मिलूंगी मेरी फ्रेंड के साथ। देखो सच में हमारी ना दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा बराबर ना, मैंने शादी से पहले की है ना, इसके लिए मतलब बहुत ज्यादा हमारा रिश्ता अच्छा है। तो अभी चलो हम मतलब इसको छोड़ते हैं, उसके बाद मिलूंगी मैं दोपहर में मिलूंगी। देखती हूँ मैं अच्छा दोपहर में मिलती हूँ, कब मिलती हूँ, लेकिन जल्दी मिलूंगी। ठीक है, ये देखो, ये देखो दानिश, आजा, ये देखो, ये थोड़ा गुस्सा है ना, दानिश गुस्सा है, मजाक वाला गुस्सा है, लेकिन बहुत अच्छी चाय बना के पी रही है, गुस्से में बहुत अच्छी चाय पी रही है। मैं काफी दिनों बाद, कम से कम 8-10 दिन बाद मैंने कैमरा उठाया है। मेरी फ्रेंड जाने के बाद मैं कुछ शूट कर ही नहीं पाई, क्योंकि एक तो बहुत थकान हो गई थी और मेरा तो गला विला सब खराब हो गया था। अभी जो आप इसमें जो क्लिप देख चुके हो ना, उसको आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा बदल हो गया था, तो इसके लिए। और दूसरी बात ये थी कि मेरे कुछ रोज़े बाकी थे, तो मुझे रोज़े करने थे, और रोज़े मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मैं अभी करूँ, लेकिन मैं मुझे कुछ करना था, मतलब कुछ चालू करना था, तो जिसके लिए मैं चाहती थी कि मैं रोज़े पूरे करके ना फिर वो चालू करूँ। थोड़ा सा टाइम मैंने अपने लिए निकाल के कुछ कर रही हूँ। और दूसरी बात, मेरी फ्रेंड जा चुकी है, 3 दिनों रही, 3 दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और तीनों रात हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा जागे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और लेकिन ना प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सिर्फ हमें हो गई उसके आने से, अच्छा तो सब कुछ लगा, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि उनको कैसा बेड पे सोने की आदत है, उनको बेड ही चाहिए, और हम दोनों उनको लगते हैं उनके आसपास सोने के लिए, तो बच्चे थोड़ा अनकम्फर्टेबल थे। और दूसरी बात, लल्ला जो सबसे छोटा है, वो पता नहीं कि उसको इतना डरता है, इतना डर रहा था ना कि उसकी तबीयत ही खराब हो गई, तो अभी तक भी वो ठीक नहीं हो मतलब हो रहा था, तो क्या करे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए फिर हमने उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर के पास से लेकर आने के बाद भी उसको अभी तो कोई फर्क नहीं है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है कि वो ठीक हो जाए। वो इतना डर गया ना कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि इतना कैसे उसके दिल में डर बैठ गया।
तो ऐसा सब हो गया, बच्चे थोड़ा अनकम्फर्टेबल सोने के लिए वगैरह चिल्लाते थे कि नहीं हमें, फिर उनको घुमाना उसको, मैं कैसा हमेशा मतलब कैसा हम अकेले में रहते हैं बच्चे मैं पूरा दिन, तो उस हिसाब से उनको वही उस हिसाब से आदत लगी थी, तो क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी डिसाइड हमने किया है, देखते हैं अभी आगे जाके कैसे क्या होता है। लेकिन उनको बच्चों का आदत लगना बहुत ज़रूरी है, देखो इसकी तबीयत देखो ना कैसी, अभी तक भी वो ठीक नहीं हो पाया है, उसकी मस्ती वगैरह सब कुछ बंद है, एक जगह ऐसा पड़ा हुआ रहता है, डॉक्टर के पास से कुछ फर्क नहीं आया है, कुछ भी फर्क नहीं आया है उसको डॉक्टर के पास से। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं तो हम सोच रहे हैं मतलब कि थोड़ा और देखते हैं दवा वगैरह और है तो मतलब थोड़ा सा टाइम, नहीं तो फिर उसको डॉक्टर के पास दोबारा से लेकर जाएंगे कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है अभी तो, कैसे करे क्या करे ऐसा। तो ऐसा सब चला है, सच में बहुत अच्छा टाइम गया, अभी देखते हैं अभी मेरा टर्न है जाने का। यहाँ दानिश वेस्टर्न होटल से पार्सल लाए हैं, ये है चिकन तंदूरी और चिकन तंदूरी वाइट, और ये है चिकन मंचूरियन और चिकन फ्राइड राइस, ऐसे चार चीज़ें हैं। अभी जो आप लोग ने क्लिप देखी ना वो बताने मतलब नहीं करना चाह बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं ज़रूरी है, हो सकता है कुछ लोगों को उसका फ़ायदा हो। तो ये खाना था वेस्टर्न होटल का, जो कि इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि वेस्टर्न होटल हमें बहुत पसंद है, उसका खाना बहुत पसंद है, मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है उसकी। लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि एक महीने के अंदर हमारा ये तीसरी बार पार्सल आया है वेस्टर्न होटल से, और दानिश ने वहाँ खाए वो भी अलग है, लेकिन खाना इतना खराब कि मतलब क्या बताऊँ मैं। तीनों बार खाना आया वो पूरी तरह से, एक तो कच्चा रहता है, पूरा कच्चा रहता है खाना, उसमें कुछ टेस्ट नहीं होता कुछ भी नहीं, और खाना कच्चा हो तो उसमें टेस्ट कहाँ से रहेगा, कोई भी चीज़ प्रॉपर वो पकनी चाहिए ना, तभी उसके अंदर वो मसाले वगैरह सब अच्छे से जाएंगे और खाना पकेगा और उसमें टेस्ट आएगा। लेकिन ये खाना पूरी तरह से कच्चा खाना, तो इतना मूड ऑफ हो गया, मुझे इतना गुस्सा आया था रात में कि मतलब क्या बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है। और दानिश ने वहाँ खाए ना, उसके लिए भी वही हुआ, दानिश ने प्रॉपर वो खाना रिटर्न किया कि ये क्या दिया है, पूरी तरह से कच्चा खाना है। मैंने तो दानिश को बोला कि तुमने ना उसको मतलब मैनेजर को वगैरह बुलाना चाहिए था, कि मैनेजर वगैरह दानिश को मतलब पहचानते हैं उस हिसाब से कि ये क्या है, कि पहली बार नहीं हो रहा था ना एक महीने के अंदर, अपने को साथ तीन बार हो रहा है, वो तीनों बार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम क्या पता अभी उनका शेप चेंज हुआ है कि क्या, नहीं पता है। लेकिन जो भी है, इतना बड़ा होटल है, तुम्हारा नाम है, तो कैसा होना चाहिए, बहुत ही खराब खाना। अभी तो मेरे दिल से वो पूरी तरह से वेस्टर्न होटल उड़ गया, मतलब बहुत मन खराब हो गया उसकी वजह से कि ये क्या है, अपन क्यों लाते हैं, एक इंजॉय के लिए, एक टेस्ट के लिए, पसंद आता है इसके लिए लाते हैं, लेकिन ये सब क्या है, इसे थर्ड क्लास क्वालिटी देना। तो वहाँ का तो दानिश ने मतलब रिटर्न करने के बाद भी, वो उनको वापस करने के बाद भी दानिश को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो दानिश को लगा चलो पार्सल अच्छा रहेगा, पार्सल भी नहीं, मैंने सब टेस्ट किया और सब वैसा का वैसा मैंने वापस रख दिया और सब दूसरे दिन मैंने पकाया कि ये क्या है करके। लेकिन सच में अभी मैं वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि ऐसा खाना क्यों खाएंगे, पैसे देते हैं ना कि फ्री का मिलता है कि फुकट देते हैं, नहीं ना, आप पैसा देते हैं और जो वहाँ के होटल के बारे में जानते हैं मतलब जो वहाँ खाना खा चुके उनको पता होगा कि उनके हर चीज़ के रेट्स कितने ज़्यादा है, कितने ज़्यादा पैसे लेते हैं वो लोग। लेकिन क्या करें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा मेरा मतलब क्या है कि ये गलत चीज़ है और ये नहीं होनी चाहिए, अच्छे को अच्छा बोलते हैं ना, तो बुरे को बुरा भी बोल फिर मैं बोलूँगी क्योंकि मेरे से नहीं रहा जाएगा। इससे पहले मैंने नहीं बोला, बोलूँ जान दो जान दो जान दो, मेरा मन भी नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं, अभी बस बहुत हो गया, इसके लिए मैंने इसका वीडियो बनाया कि मैंने बोला कि नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है किसी के काम आए ना मेरा वीडियो, तो अगर कोई जाता भी है तो तुमको तुरंत बोलो कि ये क्या है करके,
फ्री में तो नहीं दे रहे हो ना। तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया था इस खाने को लेकर। तो अभी बस मैं यहाँ पे अल्लाह हाफिज करती हूँ। मुझे बस सिर्फ बताना था कि कोई जाए तो बचे क्योंकि अच्छा भी मैं उसके बारे में बोल चुकी हूँ क्योंकि सच में अच्छा था, लेकिन अभी नहीं हो सकता ना। तो अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा हमें।